2011 वर्ल्ड कप फिक्सिंग के आरोपों के बाद आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, साल 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल टीम इंडिया ने बड़ी शान से जीता था। एमएस धोनी ने छक्का लगाकर भारत को दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया था और आज भी वो मुकाबला हर भारतीय फैन के लिए बेहद खास है। हालांकि अब उस मुकाबले पर और भारत की जीत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदा नंदा अथुल गामगे ने आरोप लगाया है कि भारत श्रीलंका वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल फिक्स था। अब ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी इस मामले में गंभीर है। आईसीसी की टीम जल्द ही इस मामले में पूछताछ करने वाली है कि क्या वाकई में मैच फिक्सिंग हुई थी या नहीं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक आईसीसी श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदा नंदा के आरोपों को बेहद गंभीरता से ले रही है। उसने इस मामले में पूर्व खेल मंत्री से पूछताछ का मन बना लिया है। न्यूज वायर से बातचीत करते हुए आईसीसी के अधिकारी ने कहा, हम इस मामले में महिंदा नंदा से बात करेंगे और देखेंगे कि ये मामला जांच के लायक है या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, जब साल 2011 वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान महिंदा नंदा खेल मंत्री थे और उस समय उन्होंने फाइनल मैच से पहले चुनी गई टीम पर सवाल भी खड़े किए थे। बता दें, श्रीलंका ने फाइनल से पहले अपनी टीम में 4 बदलाव किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीम में 4 बदलाव करने से पहले किसी से नहीं पूछा गया था और अपने मन से टीम में बदलाव कर दिया गया। हालांकि श्रीलंका के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इन आरोपों को बकवास और राजनीति से प्रेरित बताया है। पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने कहा कि श्रीलंका में चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी हो रही है। वहीं कुमार संगकारा ने भी पूर्व खेल मंत्री के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप सही है तो वो आईसीसी को सबूत दे। यही नहीं, श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा ने भी इस आरोपों को गलत बताया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि संतुष्टि के लिए जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं। डी सिल्वा ने कहा, मुझे लगता है कि सचिन और करोड़ों भारतीय फैंस के लिए भारत सरकार, बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।